बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको रेस्ट पैरामीटर सिखाया था, अब हम चलते हैं ऑप्शनल पैरामीटर और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की तरफ। ऑप्शनल पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जिसमें हम कोई एक पैरामीटर को ऑप्शनल रख लेते हैं कि उसको हम चाहे प्रिंट आउट करवाएँ चाहे हम उसकी वैल्यू ना भी दें। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, ये मेरे पास ऊपर एक छोटा सा बना हुआ, चलिए मैं नया बनाती हूँ। फंक्शन बना रही हूँ मैं ग्रीट के नाम से, ग्रीट। ठीक है, इसको मैं एक पैरामीटर पास करती हूँ नेम, जिसकी मैं वैल्यू रखूँगी स्ट्रिंग। ठीक है, और दूसरा मैं दे रही हूँ एज। अच्छा, ऑप्शनल पैरामीटर देने के लिए जब हम कोई पैरामीटर को ऑप्शनल डालते हैं तो उसका क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और इसको मैं कर देती हूँ नंबर। इसका मतलब ये कि आप चाहें तो इसको इसकी वैल्यू पास करें और चाहें तो ना भी करें, इस पैरामीटर को पास करना ना करना आपके अपने ऊपर होते हैं। अच्छा, खैर, इसको अब हमने चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ और एल्स की कंडीशन करें। इफ़ एज इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी अगर एज अनडिफाइंड ना हो तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट हो कंसोल, सॉरी मैं रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न क्या रिटर्न हो, बैकटिक आएगा यहाँ पर, हेलो, फिर हम यहाँ पर डॉलर का साइन लगाएंगे जिसमें हम नेम का पैरामीटर पास कर रहे हैं, उसके बाद कोमा और देके मैं गैप करूँगी, आर यू रियली। अच्छा, यहाँ एज का पैरामीटर नाम पास करूँ, ओल्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, एल्स अगर एज का पैरामीटर अनडिफाइंड हो तो एल्स, ठीक है, रिटर्न हेलो नेम। ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी कि अगर एज हम अनडिफाइंड ना हो तो ये आना चाहिए और अगर अनडिफाइंड हो तो ये आना चाहिए। अब हम इसको कंसोल कैसे करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ ग्रीट का जो वो है फंक्शन नेम वो मेंशन करूँगी। अब हम पैरामीटर देंगे, यहाँ पर पैरामीटर में मैं नाम देना चाहती हूँ निम्रा। ठीक है, पहला मैं तो आपको ये ट्रू करवा के दिखा रही हूँ, पहले हम करवा के दिखाएंगे आपको कि अगर एज डिफाइन की गई हो तो, मैंने एज डिफाइन कर दी 25। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, अच्छा जी देखें, जैसे कि हमने इफ में ये कंडीशन लगाई थी कि अगर एज अनडिफाइंड ना हो, यानी कि एज को अगर हम मेंशन कर दें तो क्या प्रिंट हो, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो। देखें आप, हेलो निम्रा, आर यू रियली 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब हम आपको एल्स वाली भी मैं करके दिखा देती हूँ, मैं इसी को कॉपी करती हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम कर देते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ क्योंकि एज ऑप्शनल है तो मैं इसको नहीं प्रिंट करवाना चाह रही। ठीक है, तो अब ज़रा ये भी देख लेते हैं इससे क्या होगा, टी एस सी नॉट मेन डॉट जे एस, ये देखिए ये पहला वाला आउटपुट था, ये सेकेंड आउटपुट क्या है, हमने एज का पैरामीटर नहीं दिया तो क्या आया, हेलो निम्रा, तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अगर ऑप्शनल पैरामीटर हम यहाँ पर आए तो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इसको यहाँ पर आर्गुमेंट दें या ना दें, इसको हम, ये ऑप्शनल होता है और इसको ज़्यादातर हम इफ एल्स के साथ यूज़ करते हैं। एक चीज़ मैं और दिखा देती हूँ आपको, अगर हम कंसोल डॉट लॉग में पैरामीटर, हमने नेम भी दे दिया एज भी दे दी और मैं सोच रही चलो एक और नंबर पास कर दूं, तो देखिए ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि इस फंक्शन में या तो एक आप पैरामीटर कर सकते थे, एक तो हर सूरत करना ही था, और चाहे तो दो भी कहते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, लेकिन दो के अलावा कोई भी पैरामीटर की ऑप्शन नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर एरर दिया कि एक या दो आर्गुमेंट दे सकते हैं लेकिन आप थ्री को नहीं दे सकते, इसलिए ये रॉन्ग है। तो आई होप आपको ये ग्रीट का फंक्शन ऑप्शनल पैरामीटर के साथ समझ में आ गया हो। अब हम इसको कमेंट आउट करते हैं, मैं अब आपको लेके चलती हूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ। अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के लिए मैं इसी को फंक्शन को
वो कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि मैं इफ एल्स के बगैर इसको यूज़ करूँगी। इसको कॉपी करके इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जिसमें हम एक पैरामीटर को बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू पास कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पर, अच्छा इफ एल्स तो यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है, इफ एल्स को मैंने हटा दिया। यहाँ पर मैं देती हूँ एज 25, ठीक है, ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू पास कर दी। अब जब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की, इसको मैं बना रही हूँ void का फंक्शन जो कि रिटर्न नहीं करता। ये ध्यान में रखिएगा, वो फंक्शन जो कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करता हो उसको हम void फंक्शन कहते हैं, और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्योंकि void रिटर्न तो करवाना नहीं है, तो कंसोल करवाएंगे हम, कंसोल डॉट लॉग क्या करवाएंगे, बैकटिक में दे देती हूँ हेलो, फिर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ डॉलर का साइन, और नेम का मैं वो मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, पैरामीटर आर यू रियली एज इयर्स ओल्ड के। अब क्या करेंगे हम कि अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन को कॉल करने का तरीका सबको पता है, बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। तो ये था क्या हमारा फंक्शन को कॉल करने का तरीका। अच्छा जी, इसमें हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है जबकि हम यहाँ पर void है। चलो मैं यहाँ पर, अच्छा हाँ मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर निम्रा नाम मेंशन कर देती हूँ, और हमने इसको कर दिया डन बाय डिफॉल्ट। void फंक्शन में तो इसको आना ही नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट जो होता है। अच्छा क्या इशू आ रहा है, इसका इशू क्या आ रहा है ये देखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये हो गया एज हेलो, तो होना चाहिए था, फिर क्या मसला आ रहा है। void फंक्शन का मतलब होता है नॉट रिटर्न, ये चक्कर है। अच्छा जी, मैं एक काम करती हूँ, मैंने यहाँ पर भी इसको सॉल्व किया था, इसमें क्या इशू आ रहा है, क्या डिफरेंस है। अच्छा मैंने क्या मिस्टेक कर दी यहाँ पर, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, एक चीज़ मिस कर दी थी, यहाँ पर मैंने इसको टाइप दिए बगैर वैल्यू पास कर दी थी, तो ठीक है। अब हम इसको प्रिंट आउट करके देखते हैं कि स्टिल कोई इशू तो नहीं आ रहा। TSC इसको ज़रा इसके पकड़ती हूँ, नॉट मेन डॉट JS, यहाँ पर मुझे गैप देना था इसको,
सिर्फ एक छोटा सा मिस्टेक मुझसे हो गया था, मैंने सेंटेक्स वहाँ चैट जीपीटी पे सेव किया हुआ था। क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने जब एज मेंशन करनी है तो पहले उसकी वो टाइप लिखनी है, उसके बाद करना है, बस उसके ऐसे ही ग्रीड का ऑप्शन आ रहा था और ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब ऐसी कोई एक पैरामीटर को वो वैल्यू पहले से वैल्यू पास की गई हो और उसको फिर हम चाहे फंक्शन जब कॉल करें तो फिर बेशक मेंशन ना करें तो वो सेम मतलब अगर हम उसको कोई और वैल्यू पास करें ना करें दोनों सूरतों में हमारे पास इसकी परमिशन होती है। अच्छा, हम चाहें तो उसको वैल्यू पास भी कर सकते हैं, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ छोटा सा, एक सेकंड इसको ऐसा करते हैं 23 कर देते हैं, ठीक है। देखें आप कोई भी एरर नहीं आ रहा, मैं दिखा देती हूँ आपको एक दफ़ा फिर। वैल्यू पास हमने की भी थी लेकिन हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि सी नॉट मेन डॉट जे एस, ये देखिए 25 पहले आया था, हम यहाँ पर 23 आ गया। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और लेस पैरामीटर और ऑप्शनल पैरामीटर आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो, इनको आप मज़ीद घर में प्रैक्टिस करें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।